राधे राधे, हर हर महादेव, माय डिवाइन लवलीज, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका आज ही रिलेशनशिप रीडिंग में। मैं हूं पूजा त्यागी, एक साइकिक टैरो रीडर, और आज हम चेक करने वाले हैं कि हाउ इज योर पार्टनर फीलिंग फॉर यू। आपके पार्टनर आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके अभी के इमोशंस आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होने वाला है। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ रीडिंग सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको रीडिंग को क्लेम भी करना होगा इफ यू वॉन्ट दिस रीडिंग टू हैव एनी पॉजिटिव इफेक्ट इन योर लाइफ। हो सकता है आप रेजोनेट करें, हो सकता है आप रेजोनेट ना करें। रेजोनेट ना करें तो आप जाने दें, और रेजोनेट करें तो क्लेम जरूर करें। सब्सक्राइब करना, फॉलो बैक करना भी ना भूलें। चलिए देखते हैं, आज 3 डेक्स का यूज करने वाली हूँ फॉर द रीडिंग, और चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए कैसी हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन अगर उन्होंने सोचा है लेने के लिए तो वो क्या होने वाला है। प्लीज बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड थ्रू आउट द रीडिंग। द फर्स्ट कार्ड इज द स्ट्रेंथ। ओके, देन आई एम गेटिंग द मैजिशियन। ऑल राइट, फिर मुझे मिल रहा है द 10 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद मिल रहा है द 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। ओ माई गॉड, वन थिंग दैट आई सी फ्रॉम टूडे स्प्रेड जो मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू बिग टाइम। ये पर्सन कोई तो रिचुअल कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ताकि आपको वापस पा सकें। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग हो कुछ समय से सेपरेशन में, आप लोग हो कुछ समय से एक दूसरे से दूर, आप लोग हो कुछ समय से ऐसे जोन में जो कि बहुत टर्बुलेंट रहा है। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा इशू कुछ हुआ है, फाइट हो सकती है, ये एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी है आपके पार्टनर ने इस बारे में बहुत बार बहुत ज्यादा सोचा है। तो जो सेपरेशन का टाइम आपके बीच में है, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, तो इस पर्सन को ये जो समय है ना, ये लिटरली खाने को दौड़ रहा है। आप इस कार्ड की एनर्जी को देखिए, लिटरली आपके पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हैं, अपसेट फील कर रहे हैं, और आपको लेकर डेस्परेट फील कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि ये पर्सन अपनी ईगो की वजह से आपको डायरेक्ट कॉल या फिर डायरेक्ट आपको मैसेज भेजने से अपने आप को रोक रहे हैं। प्योर ईगो है इस पर्सन की, जिसकी वजह से ये खुद को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं, और ये चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक से कुछ ना कुछ आप में बदलाव आ जाए, ताकि आप ही इनको कॉल कर लो या इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर लो। जो भी है, पर्सन डेस्परेटली आपको लाइफ में वापस चाहते हैं, ठीक है। इस पर्सन से ये पर्सन ने यूं तो खुद ही अपने से आपको दूर किया है, ऐसी बात नहीं है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जैसे कि इस पर्सन ने इन दूरियों का जो रीजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन है, वो आपके पार्टनर खुद हैं। आई कैन सी दैट, आई कैन सी कि आपके पार्टनर ही हैं जो कि इस प्रॉब्लम की जड़ हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर उतनी स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं कि वो आपको डायरेक्टली कॉल कर सके। ये कॉल भी आएगा, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर धीरे धीरे इस कॉल को करने के लिए तैयार होते दिखाई दे रहे हैं। तो कॉल भी आएगा और पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो मुझे डेफिनेटली उनका जो एक्शन है आपके लिए वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, कि ये पर्सन कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। मुझे इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, और उनमें से एक है आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये जो कार्ड है ये फर्दर इस बात को और स्ट्रॉन्ग करता है कि पार्टनर आपको बिग टाइम मिस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू लाइक लाइक हेल्प। पर्सन बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ये आपके बिना अधूरे हैं। आई हैव मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदर देन लव। ये पर्सन ने आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको समय नहीं देते थे, या फिर अपनी फैमिली को ऊपर रखते थे आपसे, कुछ तो वजह थी। लेकिन ये पर्सन आपको समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पास और जिम्मेदारियां भी हैं। The final channel messages I'm getting from him or her is, no one can ever take your place in my heart. Viewer, my dearest viewer, आप
मानो चाहे मत मानो, पर्सन ने तो मैनिफेस्टेशन आपकी शुरू कर दी है और ये बहुत जल्दी आप तक कांटेक्ट करने की कोशिश भी ऐसा लग रहा है कि करेंगे। क्या टाइम आ रहा है, क्या लग रहा है ये पर्सन कब तक आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, कब तक ये पर्सन आ सकते हैं आपके पास। यहाँ पे मुझे दिख रहा है डिलेज, यू आर इन अ हैंगिंग पोजीशन बाय योर ओन विल। हैंगमैन कार्ड आ रहा है, डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहते हैं लेकिन ये स्टक है, हैंगमैन सिचुएशन में है, यानी कि स्टक सिचुएशन में है, ठीक है। एंड आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है वॉक अवे फ्रॉम वट एवर इज होल्डिंग यू बैक एंड द इवेंट विल हैपन। आप जितना डेस्परेटली पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या पर्सन से बात करना चाहते हो, ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा काम डाउन हो जाइए क्योंकि जो आपका है वो आप तक आ जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा, जरूर से आप तक वो चीज आ जाएगी, ठीक है। और जो फाइनल टाइमिंग का कार्ड आ रहा है वो है इन बिटवीन 21st August to 20th September। ये टाइम आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका पर्सन की तरफ से जो एक्शन है लेने के लिए, जो आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं या जो वापस आने के बारे में जो उनका इंटेंट सेट होगा वो इस टाइम फ्रेम में होगा, इन बिटवीन 21st August to 20th September, ठीक है। यानी कि जो आने वाला विंटर है उसमें आप दोनों साथ होंगे, उसमें आप दोनों मिल जाओगे, ऐसा मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरी रीडिंग है। डिले है, पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पार्टनर पास आना चाहते हैं, पार्टनर कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये सब दिख रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम जब वो करेंगे या जब वो करने की इंटेंट करेंगे बनाएंगे वो आ रहा है बिटवीन 21st August and 20th September। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।